नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 30 साल का एक नौजवान का। उनके पिताजी ने इनका पाम भेजा है और जानना चाहते हैं अपने बेटे के बिजनेस के और शादी के बारे में। और बहुत कुछ डिटेल हमको इनकी मिली नहीं, बस इतना ही मिला। तो ये पाम की एनालिसिस शुरू करेंगे, लेकिन एनालिसिस पाम की करने के बाद हम लोग को थोड़ा हॉरोस्कोप का भी एनालिसिस करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि इनके ये जो है इंसान, ये बहुत ही ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं। जो जिम होती है, एक्सरसाइज होती है, उसको करने के कारण क्या होती है, पाम में जो लाइन होती है वो थोड़ा ख़राब हो जाती है। ये सारे जो साइन बनती है, इसके कारण हम लोगों की यहाँ पे बनने वाली साइन को क्लियरली हम लोग देखेंगे नहीं। बहुत सारी ज़रूर ऐसी साइन लाइन ज़रूर रही होगी जो मिट चुकी होगी। जो मेन लाइन होती है वो भी थोड़ी बहुत धुंधली हो जाती है इसके कारण। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा हॉरोस्कोप भी देखने की ज़रूरत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं ओवरऑल पाम की एनालिसिस से। रेक्टेंगुलर शेप पाम है और पाम काफ़ी चौड़ा भी है। तो रेक्टेंगुलर शेप चौड़ा भी है, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग थोड़ी बैठे बैठे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरों से काम ही अच्छी तरह से कर पाते हैं। आर्ट्स के प्रति इनकी थोड़ी बहुत झुकाव रहती है, लिखने का इन लोगों का शौक रहते हैं। और जो कॉपी डाट है, अगर वेनस पावरफुल हो तो उसमें भी ये माहिर होते हैं। चौड़ा होने के साथ कारण ये ऐसे लोग खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, मेहनत भी ये खूब कर पाते हैं। थंब की अगर लेंथ देखें तो नॉर्मल सी लेंथ है, बहुत ज़्यादा ना ही लंबा ना ही छोटा है। तो ऐसे लोगों की लोगों के ऊपर डोमिनेट करने की या फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करने की एक लिमिटेड पावर होती है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है। बहुत ज़्यादा ना ही हाई होती है, ना ही बहुत ज़्यादा कम होती है। लॉजिक पार्ट और विल पार्ट दोनों ही बराबर हिस्सों में बड़ी बटी हुई है। तो ऐसे लोग प्लानिंग भी अच्छी तरह से कर पाते हैं और उसका एग्जीक्यूशन भी अच्छी तरह से कर पाते हैं। लॉजिक के साथ बात भी कर सकते हैं, फील्ड में जाके काफ़ी अच्छी मेहनत भी कर पाते हैं। लॉजिक पार्ट की यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी मांस कम है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अपने हितों का रक्षा नहीं कर पाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से दूसरों के ऊपर डोमिनेट भी नहीं कर पाते हैं। इसकी रेमेडी ये है कि यहाँ पे चांदी या फिर प्लैटिनम का छल्ला पहनिएगा, इससे आपकी थंब काफ़ी मजबूत हो जाएगी और आपकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको खुद ही फील होगा कि आपके जो डोमिनेटिंग नेचर है वो काफ़ी बढ़ गई है, दूसरों के ऊपर आप अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पिछले टाइम से। उसके ऊपर थंब पीछे झुका हुआ है, तो इस तरीके का झुका हुआ थंब उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो दूसरों के अंडर काम करते हैं। तो आपके खुद के बिजनेस है, दूसरों के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए नेगेटिव रहेगी। क्यों? ये ऐसे झुका हुआ अगर थंब में रहे पीछे की तरफ, इस तरीके से थंब बेंट होता हुआ देखो नॉर्मल पाम रखने के टाइम में, तो ऐसे लोग हालात अगर सिचुएशन अगर इस तरीके से बनती है जहाँ पे इन लोगों को झुकना पड़ सकता है, तो ये लोग झुक जाते हैं हालात के आगे। हालात हो, लोग हो, किसी भी हो, अगर बहुत ज़्यादा इन लोगों को ऊपर प्रेशर करते हैं तो ये लोग झुक जाते हैं। तो ये कनेक्शन होनी चाहिए कि एक एम्प्लॉय की, जहाँ पे मालिक उनकी उनको झुकाने की कोशिश करेंगे और वो झुक जाएंगे, उनके नौकरी के लिए अच्छी रहती है। लेकिन मालिक की अगर पाम में इस तरीके से हो तो कभी कभी एम्प्लॉय भी उन लोगों को झुका दे सकती है, तो ये थोड़ी आपकी नेगेटिव रहेगी। शायद मैं आपको ठीक तरीके से समझा पाया कि ये थंब की क्या रिज़ल्ट आपको मिलेगी। इंडेक्स फिंगर कैसी है? क्रॉक है, इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, तो ऐसे लोगों की लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है। तो आप अच्छे लीडर हैं, दूसरों को मतलब अपने टीम को सामने से लीड कर पाएंगे, उसी की इंडिकेशन क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रही है। बाकी दो फिंगर की लेंथ भी ठीक ठाक है, छोटी फिंगर जो है वो ज़्यादा लंबी है और सन के थर्ड फ्लेंच के ऊपर भी पहुँच रही है इजीली। तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन पावर बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक परफॉर्मेंस इन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। किसी भी पोजीशन में बैठे हुए, किसी भी पोस्ट पे बैठे हुए लोगों से बातें करने में भी इन लोगों की कोई भी झिझकपन नहीं होती है। मर्करी माउंट आपकी कैसी है? मर्करी माउंट आपकी नॉर्मल सी है, बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल मर्करी माउंट नहीं है, लेकिन मर्करी लाइन है वो भी टूटा हुआ। तो मर्करी लाइन टूटा हुआ, मर्करी माउंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल नहीं है, तो बिज़नेस चलाने में आपको थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। बिज़नेस चलाने में आपकी थोड़ी बहुत तकलीफ़ होने की इंडिकेशन हमें यहाँ से मिल रही है। आपके जो मर्करी माउंट है वहाँ पर बहुत बड़ी बिज़नेस की आइडियोलॉजी आप में है, इस तरीके का क्लियरली हमें इंडिकेशन नहीं मिल रही है। लेकिन जो भी बिज़नेस करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसमें आपकी काफ़ी फेम होगी इस बिज़नेस के वजह से। क्यों? क्योंकि मर्करी से एक लाइन निकल के सन की तरफ जा रही है, ये क्लियरली दिखा रही है कि अगर मर्करी की काम करते हैं, चाहे वो आप राइटर हो, जर्नलिस्ट हो, आप किसी भी तरीके का मर्करी का काम कर रहे हैं, जैसे आप बिजनेस है, तो बिजनेस की लाइन जहाँ पे मर्करी की लाइन एक लाइन जाके सन की तरफ जाए, तो वो चीज़ करने के कारण आपकी काफ़ी फेम भी होती है। तो बिजनेस के कारण आपके काफ़ी फेम होगी, उसी की इंडिकेशन यहाँ पे दिख रही है। सन माउंट में एक बहुत बड़ी अच्छी इंडिकेशन है, क्लियरली स्टार साइन,
ये क्लियर स्टार साइन ये बता रही है अगर सनमोट में स्टार हो और ऐसे लोग बिजनेस करते हैं तो इन लोगों के बिजनेस बहुत बड़े आकार के होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे की बिजनेस होते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं 500-1000 करोड़ के जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों के पाम में फिश साइन के बदले में इस तरीके का स्टार साइन देखने को मिलती है। जनरली फिश साइन से ज़्यादा पावरफुल स्टार साइन हमेशा ही होती है, तो स्टार हो तो समझिए कि 2-3 फिश के बराबर है, बड़े बड़े फिश के बराबर एक स्टार साइन होती है सनमोट में अगर आपको दिखे तो। इस तरीके का स्टार बहुत ही ज़्यादा पैसे दिलाती है, बहुत ही बड़े बिजनेस को मैनेज करने के काबिलियत भी ज़रूर देती है। सैटर्न माउंट को हम लोग देखेंगे क्या है। सैटर्न माउंट में यहीं पे सन माउंट में एक नॉलेज लाइन है, तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छी खासी है, तो उस नॉलेज को अगर आप अपने बिजनेस के काम में लगाएंगे उसमें भी आपकी मुनाफा होने के चांसेस दिख रही है। सैटर्न माउंट में एक ट्रायंगल है, यहाँ पे क्लियरली सैटर्न माउंट में ट्रायंगल दिख रही है, तो ये इंडिकेशन करते हैं आप खुद भी अपने जमीन जायदाद एसेट ज़रूर बना पाएंगे। सन माउंट में भी स्क्वायर साइन है, हम लोग दूसरी पाम में जाके देख लेते हैं कैसी साइन है। इस पाम से दिखेगा, हाँ इस पाम से दिख रही है, तो ये स्क्वायर साइन को थोड़ा देख लेते हैं। दोनों ट्रायंगल मिलके स्क्वायर साइन बन रही है, देखिए यहाँ से ये लाइन आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ पे आ रही है और ये स्क्वायर बना रही है, और एक लाइन यहाँ से आके इस तरीके से दो दो स्क्वायर हम लोगों को मिल रही है। तो इस तरीके का स्क्वायर साइन दिखा रही है कि आपके आप खुद भी जमीन जायदाद ज़रूर बना पाएंगे, अपने खुद के घर या फ्लैट जो भी बोलिए वो भी ज़रूर बना पाएंगे, लेकिन बहुत बड़े आकार में नहीं होगी, मीडियम को लेंथ में होगी, लेकिन शायद वो वैल्यूएबल ज़्यादा होगी, मतलब परिणाम में ज़्यादा नहीं होगी लेकिन वो वैल्यूएबल ज़्यादा होगी, क्वांटिटी में कम होगी वैल्यूएबल ज़्यादा होगी। इसी तरीके का एसेट का इंडिकेशन आपके पाम में हमें यहाँ पे दिख रही है। जुपिटर माउंट क्या कह रही है, बहुत कुछ साइन वगैरह नहीं दिख रही लेकिन यहाँ पे एक स्क्वायर साइन दिख रही है, इसके कारण आप में टीचरशिप क्वालिटी रहेगी, आप दूसरों को अच्छी तरह से समझा पाएंगे, ये अच्छी बात है कि एक लीडर बनेंगे एक बहुत बड़े पोजीशन में अगर आप काम करेंगे तो आपके जो सबऑर्डिनेट होते हैं उन लोगों को समझाने की जब ज़रूरत होगी आप अच्छी तरह से समझा पाएंगे, ये टीचर स्क्वायर आपकी वहाँ पर अच्छी काम करेगी। यहाँ पे सलमान रिंग है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सलमान रिंग है, इस तरीके का अगर सोती हुई फिश साइन दिखे तो वो बहुत कोई फिश की रिजल्ट नहीं दे पाती है, तो इसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो दो दो बड़े बड़े सलमान रिंग हैं और इनके कारण इनके काम के प्रति अच्छी निष्ठा रहेगी, धर्म के प्रति भी निष्ठा रहेगी और ये सारे जो मिस्टिकल साइंस है इसमें भी इंटरेस्ट हो सकती है। मार्स माउंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एग्रेसिव मार्स बहुत बड़ी जगह ले रही है और बहुत ही ज़्यादा हाईली पावरफुल उभरा हुआ मार्स माउंट हमें दिख रही है, एक स्पोर्ट्स लाइन है और ये स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ का इंडिकेशन हमें इनके पाम में ऑलरेडी दिख रही है। बॉडी कॉन्टैक्ट जो बॉडी एनर्जी लगती है जो सारे स्पोर्ट्स में उसकी इनकी इंटरेस्ट है, ये स्पोर्ट्स लाइन से हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। तो मार्स माउंट एग्रेसिव मार्स माउंट ज़्यादा पावरफुल है, डिफेंसिव मार्स नॉर्मल सी है, तो इनके लिए एग्रेसिव जो नेचर के ही ये इंसान है बहुत ही ज़्यादा हाईली एग्रेसिव नेचर के हैं, ऐसे लोग थोड़ी बहुत एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, इसी की इंडिकेशन है यहाँ पे एग्रेसिव मार्स से हम लोगों को दिख रही है। रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कामकाज भी करेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। वेनस माउंट देखेंगे, वेनस माउंट में बहुत सारी लग्जरी लाइन है, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइन है इस पार्ट में, तो इतनी सारी लग्जरी लाइन होने के कारण आपके लग्जरी भी काफ़ी अच्छी गुजर रही है, लग्जरी भी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी है, बहुत सारी खड़ी लाइन है आप गिन भी नहीं पाएंगे, इतनी सारी खड़ी लाइन आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा खड़ी लाइन है। तो आप अगर 1 रुपये का मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में आपको देर या 2 रुपये का मुनाफा ज़रूर हो रही है, चाहे आप अपने खुद के ही बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन उससे बेनिफिट आपका ज़्यादा हो रही है, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपकी बेनिफिट हो रही है, उसी की इंडिकेशन यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। मून माउंट कैसी है आपकी, मून माउंट आपकी ठीक ठाक है, लाइफ लाइन का यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है जो फेथ लाइन से जुड़ के इस तरीके से इधर ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी, ये दो लाइन में से एक लाइन लाइफ लाइन की ब्रांच होगी, ये मार्ज होने के बाद हम लोग को पता नहीं चल रही है कि कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है, तो ये जो इंडिकेशन कर रही है ये दिखा रही है कि आपके फॉरेन के साथ कनेक्शन ज़रूर होगा, आपके काम के लिए फॉरेन का कनेक्शन ज़रूर होगा। यहाँ से एक और एक लाइफ लाइन से निकलने वाली फेथ लाइन की ब्रांच इस तरीके से सन माउंट की तरफ दिख भी रही है, तो ये सारी इंडिकेशन दिखा रही है कि फॉरेन के साथ आपका जुड़ाव रहना, फॉरेन के साथ आपका कामकाज होना, इसी की इंडिकेशन दिखा रही है, चाहे वो आप फॉरेन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करें, फॉरेन के कंपनी के साथ काम करें, कि किसी भी तरीके से आपका फॉरेन का जुड़ाव ज़रूर रहेगा आपके प्रोफेशन में करियर में, और फॉरेन आप घूम भी सकते हैं उसकी इंडिकेशन यहाँ पर दिख रही है। तो ये सारा फॉरेन के साथ जुड़ाव का कनेक्शन हम लोग को आपके मून माउंट से और लाइफ लाइन की ब्रांचेस से मिल रही है।
तो ये रही आपकी माउंट की एनालिसिस। अभी थोड़ा लाइन को देख लेंगे, मेन लाइन क्या कह रही है, हार्ट लाइन आपकी कंडीशन ठीक है, अच्छी है, कोई मेजर फॉल इन लाइन हमको यहाँ से फॉल होता हुआ नहीं दिख रही है। और जो हार्ट लाइन की जो दोनों के दोनों एंडिंग पॉइंट है, और दोनों के दोनों एंडिंग पॉइंट ही जुपिटर और सैटर्न के बीच में हो रही है, ऐसे लोग ना ही दूसरे का नुकसान करते हैं ना ही खुद के नुकसान होने देते हैं। खुद के अगर नुकसान के बाड़ी आए तो इसे प्रोटेक्ट भी करते हैं, और ना ही दूसरे का नुकसान करने में इन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहती है, तो इसी नेचर के रहेंगे। लेकिन अपर माउंट की जगह बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है, इसके कारण आपके खुद के जो फिनेंशियल ग्रोथ है वो लिमिटेड रहेगी, खुद के पर्सनल जो फिनेंशियल ग्रोथ है वो लिमिटेड रहेगी, वो बहुत ज़्यादा हाई पैमाने में शायद ना हो पाए, एक लिमिटेशन में ज़रूर रहेगी। माइंड लाइन कैसी है आपकी, बहुत ही ज़्यादा लंबी माइंड लाइन है, और माइंड लाइन इतनी ज़्यादा लंबी हो और कोई आपका 30 साल का नौजवान आके कहे कि मुझे बिज़नेस करना है, तो उन लोगों से ज़रूर पूछिएगा कि आप बिज़नेस पूछते नहीं हैं, अगर पूछते नहीं हैं तो ज़रूर कीजिएगा, पूछते नहीं बिज़नेस ही आप आगे बढ़ा पाएंगे और उसको सक्सेसफुली आप कर पाएंगे। अगर खुद के बिज़नेस है तो उसमें मत जाइए, बहुत लंबा आपका स्ट्रगल जाएगी, वहाँ पर बहुत सारी लॉसेज भी होगी, शायद आप झेल ना पाए। तो पुश्तैनी बिजनेस में सक्सेस होने के इंडिकेशन दिखा रही है लंबी सी माइंड लाइन, माइंड लाइन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, माइंड लाइन की एक ब्रांच निकल के मून माउंट की तरफ भी आ रही है, ये दिखा रही है कि आठ के प्रति थोड़ी निष्ठा जरूर है इनके। रेक्टेंगुलर शेप पाम है और उसके ऊपर माइंड लाइन का एक ब्रांच अगर मून माउंट के ऊपर उस तरीके से ढलती है, अगर आप हम लोग सिर्फ इसी लाइन पे इस तरीके से ड्रॉ करें तो देखेंगे तो कि माइंड लाइन मून की तरफ झुक रही है, तो ये इंडिकेशन दिखाती है आठ के प्रति थोड़ी बहुत इन लोगों का इंटरेस्ट रहते हैं। ऐसे लोग जनरली कैसे होते हैं, जो लिखना जिन लोगों को अच्छे लगते हैं, ड्राइंग करना, कोई भी किसी भी तरीके का आर्ट का काम इन लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है, उसमें ये लोग माहिर भी होते हैं। वेनस माउंट भी बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, तो कॉपी डॉट अगर काम करेंगे, कॉपी डॉट कौन सी होती है, ड्राइंग होती है, डिज़ाइनिंग का कोई काम हो, इंटीरियर डेकोरेटर जो डिज़ाइन वगैरह होती है उस तरीके का डिज़ाइनिंग, किसी भी तरीके का डिज़ाइनिंग का काम हो, ड्राइंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, ये सारे चीज़ों में अगर आपकी इंटरेस्ट है तो उसमें भी आप काफ़ी अच्छी सक्सेस आपको मिल जाएगी, उसी की इंडिकेशन आपके माइंड लाइन और वेनस माउंट से हम लोगों को मिल रही है। तो माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होने के कारण सिर्फ पुश्तैनी बिजनेस में ही आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, खुद के बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगी बहुत लॉन्ग पीरियड तक, तो पुश्तैनी बिजनेस ही आपको करनी है। लाइफ लाइन आपकी कैसी है, लाइफ लाइन की शुरुआत में एक जॉब साइन, एकदम बचपन में जॉब साइन थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक रही होगी बचपन में, पढ़ाई लिखाई या फिर किसी हेल्थ के मामले में कुछ प्रॉब्लम की इंडिकेशन दिखा रही है, उसके बाद लाइफ लाइन ठीक है और इस तरीके से राउंड होकर सीधी चल रही है, नीचे आ रही है, जगह भी ज़्यादा दे रही है मार्स माउंट और वेनस माउंट को, तो इसके वजह से क्या होगी, इसके वजह से इनके लाइफ एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक इंसान है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रखते हैं और एक्स्ट्रा आवर भी ये मेहनत कर पाते हैं, उसी की इंडिकेशन ये हम लोग को दिख रही है। यहाँ पे इम्यून पावर भी बढ़ जाती है ऐसे लोगों की, लाइफ लाइन के साथ इस तरीके से जुड़ के एक मार्स लाइन भी चल रही है, चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आए आप उससे डट के लड़ भी पाएंगे और उससे उभर भी पाएंगे। दो दो हमको यहाँ पे दिख रही है, दो लाइन के करीब आपकी यहाँ पे हम लोग, एक मिनट, दो राहु लाइन दिख रही है जो करीब करीब 35 और 40 के करीब हम लोगों को दिख रही है, तो 35 और 40 दो एज पीरियड रहेगी जहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, हेल्थ के मामले में हो सकती है, करियर के मामले में हो सकती है, या फिर आपके रिलेटिव की कोई इश्यूज़ आ जाए तो उस तरीके का प्रॉब्लम की इंडिकेशन आपके दो एज पीरियड में दिख रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा होगी नहीं क्योंकि आपकी यहाँ पे मार्स लाइन की इंडिकेशन दिख रही है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती रहेगी, इससे एंजल लाइन भी करते हैं कहते हैं। अगर हम लोग लेफ्ट पाम को देखें तो यहाँ पे एक मोल साइन हम लोगों को दिखेगी हार्ट लाइन के ऊपर, और ये मोल साइन ऐसी है जो हार्ट लाइन को टोटली ब्लॉक कर रही है, तो ऐसे अगर हार्ट लाइन को ब्लॉक करता हुआ कोई मोल साइन दिखे तो ऐसे लोगों को जनरली एक्सीडेंट का जोग रहती है, एनिमी द्वारा, शत्रु द्वारा इन लोगों का कुछ हानि करने की भी चांसेस हम लोग को इस साइन से लग रही है, ये इससे थोड़ा आप लोगों को बचना चाहिए, एक तो एक्सीडेंट से और दूसरी एनिमी से आप लोगों को थोड़ा सतर्क रह के ज़रूर चलना चाहिए, और दो एज पीरियड अगर ध्यान रखेंगे 35 और 40 के करीब तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो ये रही आपकी माउंट की एनालिसिस, अभी थोड़ी करियर की एनालिसिस कर लेते हैं, आपकी करियर कैसी है। आपकी करियर की शुरुआत में ही हम लोग देख रहे हैं कि अर्ली करियर है क्योंकि फेथ लाइन बहुत ही नीचे से चालू हो रही है और यहाँ पे एक स्टार साइन भी बन रही है, तो शुरुआत में ही बहुत बड़ी पोजीशन मिल गई है आपकी करियर में, वो हमें क्लियरली दिख रही है।
कि आपकी करियर के शुरुआत में ही अर्ली एज करियर ही शुरू हो गई और शुरुआत भी काफ़ी धमाकेदार रही। अगर फेथ लाइन में स्टार साइन के साथ शुरू होती है तो ऐसे लोग चाहे वो जॉब करें या बिजनेस, पोजीशन बढ़िया मिलती है, सक्सेस भी बहुत बढ़िया मिल जाती है शुरुआत में ही इनको, तो इनको भी ज़रूर मिला होगा और वही वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे फेथ लाइन हम लोग अगर देखेंगे, एज कैलकुलेशन करेंगे फेथ लाइन की, एक मिनट, तो देखेंगे कि करीब ये एज पीरियड जो आपकी रही होगी 32 के करीब, 32 तक आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल रहेगी पोलैंड, आपकी कामकाज की जगह में थोड़ी बहुत ट्रैवल 32 तक आपकी है, अभी भी है और 32 तक चलेगी। क्यों यहाँ पे एक तो मार्च किया हुआ लाइफलाइन की एक ब्रांच और फेथ लाइन मार्च हुआ है यहाँ पे। दूसरी जो है हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मार्च हुआ लाइन है वो इसी एज के वक्त चल रही है और ये जो लाइन है ये भी थोड़ी बहुत मार्स की तरफ या वेनस की तरफ इस तरीके से झुक रही है ये पार्ट, तो ये बेंड होता हुआ लाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छी रिजल्ट नहीं दे पाती है। करीब करीब 32 के करीब आपकी फेथ लाइन काफ़ी अच्छी हो रही है, एकदम बिल्कुल 32 नहीं होगी, 32 से थोड़ी पहली होगी, शायद 31.5 ईयर्स एज हो जहाँ पे आपकी ये शुरुआत हो रही है, तो वहाँ से जाके आपके करियर काफ़ी अच्छी जाएगी, आप काफ़ी प्रोग्रेस कर पाएंगे, आपकी फेथ लाइन सीधी 40 तक बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल वहाँ से लेके 8-10 साल तक आप काफ़ी अच्छी अपने बिजनेस में सक्सेस ज़रूर दिला पाएंगे। उसके बाद क्या हो रही है, 40 के बाद आपकी ये फेथ लाइन ख़त्म हो रही है माइन लाइन के ऊपर, और एक इस तरीके से सेकेंडरी लाइन उठ रही है लाइफ लाइन से और सीधी माउंट सटन माउंट की ओर जा रही है, और यहाँ पे और एक लाइन उठ रही है जो इस तरीके से हार्ट लाइन में जा रही है, ये आपकी टोटल फेथ लाइन की फॉर्मेशन हम लोग को मिल रही है। तो ये जो गैप बन रही है करीब करीब 2-2.5 साल का, 2-3 साल के गैप बन रहे हैं 40 के बाद, जहाँ पे आपके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएगी आपकी करियर में, जो हमें यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन मिल रही है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपकी वहाँ पे ज़रूर आएगी 40 के बाद, आपकी करियर में प्रॉब्लम आने की इंडिकेशन क्लियरली दिख रही है, और 40 से लेकर 43 तक ही आप मैक्सिमम समझिए जहाँ पे आपकी बिजनेस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चलेगी, उस टाइम पीरियड में लॉस होने के चांसेस भी हम लोग को क्लियरली दिख रही है। तो उस टाइम पीरियड में बिजनेस में जो भी डिसीजन लेंगे बहुत ज़्यादा सोच समझ के लीजिएगा, नई कोई इन्वेस्टमेंट उस टाइम पीरियड में नहीं, आइदर उस पीरियड से पहले कीजिए या फिर उस पीरियड को छोड़ के कीजिएगा, नहीं तो करियर में प्रॉब्लम हो सकती है उस टाइम पीरियड में। और आपकी जो फाइनेंस है उसका पहले ही हम लोग जिक्र कर चुके हैं, तो थोड़ी बहुत रिलेशनशिप को देख लेते हैं, कैसी रहेगी आपकी रिलेशनशिप। हार्ट लाइन से मेजर कोई लाइन फॉल होता हुआ नहीं दिख रही है, ना ही जुपिटर माउंट में कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो हार्ट लाइन भी में भी प्रॉब्लम नहीं है और आपकी जुपिटर माउंट में भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी रिलेशनशिप, काफ़ी नहीं बहुत ही अच्छी रहेगी आपकी रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज। और आपकी मैरिज के अगर हम लोग इंडिकेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपकी चलते हैं एक बार देख लेते हैं मैरिज लाइन क्या कह रही है। मैरिज लाइन को अगर आपकी देखें तो हम लोग देखेंगे 1-2-3-4, तो 4 के करीब आपकी मैरिज लाइन है, इसे मैरिज लाइन नहीं अफेक्शन लाइन समझिए, तो ये अफेक्शन लाइन जो है 4-4 के करीब, तो अगर मल्टीपल हो, 2 से ज़्यादा अधिक हो तो उसे मल्टीपल कहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में एज निकालना थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन बहुत ही अर्ली एज में एक इंडिकेशन थी 23-24 ईयर्स एज के करीब। उसके बाद जो दिख रही है तो करीब करीब 31 के करीब एक और लाइन, उसके बाद ये लाइन करीब करीब होगी 35 और ये करीब जाके रहेगी 40, लेकिन इतनी टाइम तक आपकी शादी नहीं होगी, इसी किसी एज पीरियड में आपकी शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है, एक्यूरेट नहीं हो पाती है जिन लोगों के मल्टीपल मैरिज लाइन होती है, लेकिन होने के चांसेस आपकी अगली साल ही हम लोगों को दिख रही है, अगर आपकी अर्ली मैरिज नहीं हुई है तो उस टाइम पीरियड में आपकी शादी होने के चांसेस हम लोग को क्लियरली दिख रही है, 31-32 के करीब आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी। अभी हम लोग थोड़ी आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस करेंगे, वहाँ पे देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या सिचुएशन आपकी बन रही है, तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं इनके हॉरोस्कोप क्या कह रही है। इनके जो जन्म की तिथि है वो है 29-8-1989 दोपहर 3:25 नागपुर, तो ये इनके हॉरोस्कोप है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इनके धनु लगन के कुंडली बनते हैं, ये लगन ये जो कुंडली बनती है ये धनु लगन के हैं और लगन में सैटर्न बैठे हुए हैं, तो लगन में अगर सैटर्न बैठे हों तो ऐसे लोग अगर मिनरल का काम करते हैं, जो मिट्टी के अंदर से हम लोग को जो मिनरल मिलती है, अगर उस तरीके से कोई भी चीज़ों का काम करते हैं ऐसे लोगों को काफ़ी सक्सेस मिलती है,
एक तो ये आपकी करियर के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। दूसरी आपकी करियर की ओर जाएंगे हम लोग, तो ये सैटर्न अगर हम लोग देखेंगे तो पहले इस सैटर्न के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सैटर्न की अगर नक्षत्र को देखेंगे तो ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो होती है वेनस के नक्षत्र। वेनस आपके जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड है, तो ये 11th हाउस और फर्स्ट हाउस के कनेक्शन बन रही है, एक और 11 के कनेक्शन बन रही है। एक आप खुद है और 11 लाभ के घर है, किसी भी तरीके का लाभ की घर 11 होती है, तो आप काफ़ी लाभवान होंगे अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी लाभ आपको मिल जाएगी। ओवरऑल कैरियर बोलिए, किसी भी तरीके से बोलिए, रिलेशनशिप बोलिए, किसी जो भी चीज़ होगी आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी जाएगी। लगन अच्छी है तो ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रहती है, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है। लेकिन अगर हम लोग और ज़्यादा सैटर्न को देखेंगे तो सैटर्न आपकी सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस के लॉर्ड है। सेकेंड हाउस एक मारक स्थान रहते हैं, सेकेंड हाउस 2 और 7 मारक घर कहते हैं, तो मारक घर के लॉर्ड बनते हैं सैटर्न, जो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। तो ये आपकी हेल्थ की तरफ थोड़ी सी हम लोगों को इंडिकेशन दिखा रही है कि किसी कारण के वजह से आपके हेल्थ में थोड़ी बहुत खराबी आने के चांसेस हो सकती है। आपके हार्ट लाइन में भी मोल थी, तो उसके कारण हम लोग देखते हैं कि एनीमी के द्वारा या फिर एक्सीडेंट के द्वारा हानि होने के चांसेस रहते हैं। मारक घर के भाव भी दिख रही है कि मारक घर के लॉर्ड जो होते हैं, जो सेकेंड हाउस के लॉर्ड है, वो अगर लगन में आ जाते हैं तो मारक घर के प्रभाव भी लगन के ऊपर पड़ते हैं। तो सेहत के मामले में एक्सीडेंट या किसी भी तरीके का एनिमी से आप थोड़ा बच के ज़रूर रहिएगा, उसकी इंडिकेशन क्लियरली लगन से हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है, हमको हॉरोस्कोप से भी मिल रही है। थर्ड हाउस में राहु है, ये कम्युनिकेशन की जगह है, तो कम्युनिकेशन आपकी काफ़ी स्ट्रांग है, उसकी इंडिकेशन हमें थर्ड हाउस से मिल रही है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, इसकी हम लोग एनालिसिस बाद में करते हैं। 8, 9, 9th जो घर है वो पिताजी का घर होते हैं, पिताजी का हायर स्टडीज़ का घर है। यहाँ पे सन बैठा हुआ है, मार्स बैठा हुआ है। सन अपने घर के मालिक है, इसी घर के मालिक है, और खुद के घर में 11 डिग्री में बैठा हुआ है, काफ़ी पावरफुल सन है। तो ये क्लियरली इंडिकेटेड कर रही है कि आपके पिताजी काफ़ी पावरफुल इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा हाईली पावरफुल। एक तो सन खुद ही पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी सन आपकी 11 डिग्री में है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसके ऊपर सन खुद के घर में ही बैठा हुआ है, जो और ज़्यादा पावरफुल है। तो इतने सारे पावरफुल होकर सन बैठा हुआ है, तो आपके पिताजी काफ़ी पावरफुल इंसान है। उसके साथ साथ मार्स भी है, लेकिन ये जो 3 प्लैनेट यहाँ पे बैठे हैं, हर एक प्लैनेट अपने प्लैनेट से करीब करीब 10 से 11 डिग्री दूर बैठी हुई है। केतु सिर्फ 0.1 डिग्री, मतलब 1 मिनट में बैठा हुआ है, तो इस घर का बहुत अच्छी रिजल्ट केतु नहीं देगी, नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगी, तो केतु का इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होगी इस घर में। तो मार्स और सन ही यहाँ पे बैठा हुआ है, इसी को हम लोग पावरफुल मानेंगे। सन ज़्यादा पावरफुल है, मार्स थोड़ी कम पावरफुल है, तो आपके पिताजी काफ़ी एंग्री भी है, उसी की इंडिकेशन यहाँ पे दिख रही है। वो काफ़ी लीडर, अच्छी लीडर भी है, उसी की इंडिकेशन हम लोग को मार्स से दिख रही है, क्योंकि मार्स जो होती है वो उसे सेनापति कहते हैं, हॉरोस्कोप में मार्स सेनापति रहते हैं, तो उस तरीके का नेचर आपके पिताजी के ज़रूर होंगे। तो 9th हाउस को जाके अगर हम लोग 10th हाउस में जाए तो वहाँ पे देखेंगे मरकरी और वेनस बैठा हुआ। इसे अगर वेनस और मरकरी एक ही घर में बन जाए तो लक्ष्मी नारायण योग बनाती है, जो घर में बैठते हैं उसी का अच्छी रिजल्ट देती है। तो वेनस और मरकरी जब आपकी 10th हाउस में बैठा हुआ है, दोनों का डिफरेंस है 10 डिग्री के करीब, तो बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल तो योग नहीं बन रही है, लेकिन 10th हाउस में बैठा हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग बन रही है, और आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी, उसकी इंडिकेशन यहाँ पे दिख रही है। क्लियरली आप बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल ये इंडिकेशन नहीं है। उसके ऊपर वेनस होते हैं आपके 11th भाव के मालिक, लाभ घर के मालिक, 10th हाउस में अगर बैठ जाए तो अच्छी रहती है, लाभ रहते हैं, बिजनेस में आप लाभ ज़रूर करा पाएंगे, उसी की इंडिकेशन यहाँ पे हम लोगों को दिख रही है। तो अभी थोड़ी गहराई से आपके हॉरोस्कोप को देख लेते हैं, अभी आपकी फिनांस को भी देख लेते हैं। फिनांस का घर रहते हैं 2 और 11, जहाँ पे चल के हम लोगों को फिनांस देखने को मिलती है। तो दूसरे घर के मालिक जो बनते हैं वो सैटर्न होते हैं, वो है आपके सैटर्न। सैटर्न लगन में बैठा हुआ है, ये अभी भूल जाइए, ये देखिए सैटर्न अपने घर से 12वें घर में बैठे हुए हैं। कोई भी प्लैनेट अगर अपने घर से पीछे घर में बैठ जाए तो सैटर्न को अगर इस घर के मालिक समझेंगे तो एक ये होगी 2, 3, 4, 5, 6 अगर इसके करेंगे तो ये घर उनके सैटर्न के 12वीं घर होगी, 12th हाउस होगी।
तो अगर सैटर्न 12 अपने घर से 12वीं घर में बैठा हुआ है और वो सेकंड हाउस के मालिक है, तो आपकी बहुत ज़्यादा पैसे लिक्विड मनी आप नहीं कर पाएंगे, उसी का इंडिकेशन यहाँ पे भी हम लोग को दिख रही है। अपने इससे 12वें घर में रहना, कोई भी प्लैनेट अच्छी रिजल्ट नहीं दे पाती है। तो लगन के मामले में तो सैटर्न अच्छी रिजल्ट दे पाएगी, लेकिन धन के मामले में, धन जमा करने के मामले में सैटर्न बहुत अच्छी रिजल्ट नहीं दे पाएगी। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा धन जमा नहीं कर पाएंगे, उसी की इंडिकेशन यहाँ पे दिख रही है। चाहे आप कितनी भी अमीर हो, बहुत ज़्यादा धन आप जमा नहीं कर पाएंगे, उसी की इंडिकेशन दिख रही है। लाभ घर, लाभ घर कैसी है? ये वेनस के घर होते हैं, तुला राशि के घर हैं, और यहाँ पर भी वेनस की ये 11th हाउस की लॉर्ड आपकी 10th हाउस में बैठ रही है। ये तो काम तो बहुत अच्छी करवाएगी आपसे, काम में आप माहिर होंगे, लेकिन उस काम से बहुत ज़्यादा पैसे आप शायद ना कमा पाए, उसी की इंडिकेशन यहाँ पे भी हम लोगों को दिख रही है। तो धन लिक्विड मनी जो होती है, हम लोग की जो बैंक बैलेंस रहती है, वो शायद आपकी बहुत ज़्यादा ना हो, उसी की इंडिकेशन आपकी पाम में यहाँ पे, सॉरी हॉरोस्कोप में हम लोगों को क्लियरली दिख रही है। काम की जगह बहुत अच्छी है, ये मान लीजिए मिनरल से जुड़ी हुई कामकाज कीजिएगा, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। काम बहुत अच्छा कर पाएंगे आप, काम में आपकी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। पिताजी की भी बहुत ज़्यादा मदद रहेगी, ये पिता की जगह भी बहुत अच्छी पावरफुल है, लेकिन काम की जो आउटपुट होती है, जो धन होती है, उसको शायद आप उतनी ज़्यादा जोड़ ना पाए, यही आपकी नेगेटिव होगी आपकी कैरियर में, यही हॉरोस्कोप आपकी बता रही है। अभी आपकी थोड़ी मैरिज को देख लेते हैं कैसी है। वहाँ से हम लोग को हॉरोस्कोप से क्लियरली मिल गई, पाम से क्लियरली मिल गई थी आपकी मल्टीपल रिलेशनशिप। अभी आपकी 7th हाउस जो होती है, वो हम लोग की मैरिज के घर होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 7th हाउस जो आपकी बनती है, वहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है। तो 7th हाउस में जुपिटर बनती है, तो जुपिटर के कारण आपके पत्नी आएगी। जुपिटर की हर एक क्वालिटी आपकी पत्नी में रहेगी, वो सारे क्वालिटी क्या रहती है? हाईली रिस्पेक्टफुल पर्सन इन सोसाइटी। आपकी जो पत्नी होगी वो हाईली रिस्पेक्टफुल पर्सन होगी सोसाइटी में, कई बड़ी पोजीशन होल्ड कर सकती है, ज़रूर कोई बड़ी पोजीशन होल्ड कर सकती है, आपके खुद के घर के या फिर आप कहें कि आपकी बिरादरी में हर कोई इंसान इनको रिस्पेक्ट भी करेगा। तो पत्नी का जोग आपका काफ़ी पावरफुल, हाईली पावरफुल हम लोग को दिख रही है। एक रिस्पेक्टफुल पर्सन होंगे, हर कोई उनको रिस्पेक्ट करेगा, वो एक बड़ी पोजीशन ज़रूर होल्ड करेगी, इस तरीके का आपका पत्नी होगी जो हमें यहाँ पे जुपिटर से मिल रही है। जुपिटर को और गहराई से देखेंगे, जुपिटर किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? आद्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो राहु के नक्षत्र है। तो वो आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, राहु आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। तो थर्ड हाउस में बैठने वाली राहु ये दिखाती है कि उनके डोमिनेटिंग नेचर भी रहेंगे, थोड़ी बहुत वो डोमिनेट भी कर पाएगी आपके ऊपर, उसी की इंडिकेशन दिखा रही है। राहु अगर आ जाए तो लीडर होती है, राहु लीडर होते हैं, तो राहु अगर आ रही है इस कनेक्शन में तो वो आपके ऊपर थोड़ी डोमिनेट भी करेगी, उसकी भी इंडिकेशन यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। आपकी वाइफ काफ़ी पावरफुल होगी, रिस्पेक्टफुल पोजीशन में भी रहेगी, उनको दुनिया रिस्पेक्ट भी करेगी, वो कोई बड़ी पोजीशन होल्ड भी कर सकती है, और वो थोड़ा अपना प्रभाव आपके ऊपर भी दिखाएगी, क्योंकि उसके जो स्टार है वो राहु है और वो कम्युनिकेशन की जगह में है, तो उनके कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल होगी। और राहु के जो नेचर होते हैं डोमिनेटिंग नेचर होते हैं और डोमिनेट करना पसंद करते हैं, तो ऐसी लेडी से शादी होगी जो आपको थोड़ी बहुत डोमिनेट भी ज़रूर करेगी। तो इस तरीके की आपके शादी होगी, इस तरीके का आपकी वाइफ होगी। शादी होने के चांसेस आपकी 31 ईयर्स एज के करीब हम लोग को पाम से दिख गई थी, एक इंडिकेशन वहीं पे थी। तो 30-31 के करीब जो प्रेजेंट एज है, यहीं पे कोशिश कीजिएगा, ज़रूर हो जाएगी आपकी शादी। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को रखते हैं, एक नई पाम और हॉरोस्कोप लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।